रविवार रात मंदसौर के संगीत गांव में लक्ष्मी नारायण चौधरी के घर से 7 फीट लंबा कोबरा सांप पकड़ा गया है। जी हां, हैरान कर देने वाली खबर यह हम आपको बता रहे हैं। मंदसौर के पुलिसकर्मी सांप पकड़ने के एक्सपर्ट राशिद खान कुरैसी के द्वारा यह पकड़ा गया। दरअसल रविवार दोपहर बाद चौधरी के घर पर यह कोबरा सांप घुस आया। बड़े कोबरा सांप के घर में घुस आने के बाद परिवार में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। काफी देर मशक्कत के बाद भी सांप घर से बाहर नहीं निकला। रात 9 बजे लक्ष्मी नारायण चौधरी के पुत्र राहुल चौधरी के द्वारा मंदसौर के राशिद खान से संपर्क किया गया। सूचना के तुरंत बाद सांप पकड़ने से माहिर राशिद खान मंदसौर ने संजीत गांव पहुंचकर चंद मिनट में कोबरा सांप को पकड़ा। इसके बाद चौधरी के परिवारजनों ने राहत की सांस ली। सांप पकड़ने के बाद राशिद खान द्वारा बताया गया कि यह कोबरा प्रजाति का सांप है जो कि 80 साल पुराना है। इस कोबरा सांप को राशिद खान सुरक्षित जंगल में छोड़ेंगे। आपको बता दें कि मंदसौर के महिला थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी राशिद खान अब तक 15,000 से अधिक अलग अलग प्रजातियों के सांप पकड़ चुके हैं। कहते हैं कि पुलिस लड़ाई झगड़े घटना और दुर्घटना में सूचना के तुरंत बाद पहुंचती है, लेकिन इसके अलावा मंदसौर पुलिस के पास सांप पकड़ने की सूचना भी प्राप्त होती है, जिसके बाद पुलिसकर्मी राशिद खान कुरैसी इन सांपों को तुरंत पकड़ते हैं और फिर सुरक्षित स्थान पर भी छोड़ते हैं। R9 भारत के लिए कार्तिक मोदी की रिपोर्ट, मंदसौर। ये अभी मेरे पास में फोन आया था करीबन 10 बजे के लगभग, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी के यहाँ से, जो शाम घर में घुसा था और डर के कारण सब घर के बाहर ही बैठे थे। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी, परेशानी आ रही थी घर में रखने के लिए, तो स्पेशली यहाँ आना पड़ा संजीत में और उसको सांप को पकड़ के बाहर निकाला और अंजन घर में ले जाके छोड़ा। कितना बताया जाएगा? ये कोबरा जाति का सांप है और करीबन 80 साल पुराना है और 7 फीट लंबा है। काफ़ी पुराना सांप है। गर्भोत्सव की बात करें तो दलौदा में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। नगर में गर्भोत्सव को लेकर समितियों व माता भक्तों का उत्साह चरम पर है। 2 साल बाद हो रहे NDRRs को लेकर गरबा समितियों के साथ ही नगरवासियों का उत्साह भी देखते ही बनता है। नवरात्रि के 4th दिन शिक्षक कॉलोनी के नवशक्ति गरबा प्रांगण में कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स द्वारा दी गई सेवाओं के बारे में आम जन को बताते हुए कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद देने हेतु कोरोना वॉरियर्स के नाम गरबा राज की प्रस्तुति दी गई, जिसमें बालिकाओं ने प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, पत्रकार, आशा कार्यकर्ता आदि बनकर गरबा रस किया। इस दौरान समिति द्वारा अतिथिगण दलौदा तहसीलदार संजय मालवीय, पटवारीगण जितेंद्र तोमर व रविंद्र तारे सहित काफी सारे लोग उपस्थित रहे। R9 भारत के लिए कार्तिक मोदी की रिपोर्ट। बच्चों ने एक कोरोना वायरस को लेकर के एक प्रस्तुति दी है, क्या कहेंगे इस बारे में? आज शिक्षक कॉलोनी की जो नवदुर्गा उत्सव समिति है, इन्होंने बहुत ही अच्छी थीम बनी थी, जिसमें कोरोना को लेते हुए सभी जितने कोरोना काल में जितने भी अपने प्रशासन के, स्वास्थ्य विभाग के, राजस्व विभाग के जितने भी लगे इस कोरोना काल में सबको बचाने में जिन्होंने सहयोग किया, सभी को सम्मिलित करते हुए जो थीम बनी है, जिससे बहुत अच्छा मैसेज दिया है और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह की आयोजन करते हुए इस गरबा में ये मैसेज भी रहे और सब आनंद महसूस भी करें। धन्यवाद।